गुड इवनिंग दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा विश्वकर्मा। आज हम बात करेंगे ओपी पॉइजनिंग। ओपी पॉइजनिंग मतलब आर्गेनो फास्फेट पॉइजनिंग, जो कि खेतों में यूज किया जाता है और लोग इसको सुसाइड करने के लिए अक्सर पी लिया करते हैं। तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका सिम्टम जो होता है तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। मेस्क्राइन इफेक्ट होता है। मेस्क्राइन इफेक्ट में क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस मीन्स होता है पीपिल पिन पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट होकर जो हमारा पीपिल होता है, आँखों के अंदर की पुतलियाँ होती है, वो पिन पॉइंट हो जाती है। ब्रंकोरिया, ब्रंकोरिया मतलब क्या होता है, जो हमारा ब्रंकोस है वहाँ पर सिक्रेशन के बहुत ज़्यादा होने लगता है। और तीसरा होता है ब्रैडीकार्डिया, हार्ट रेट बहुत कम होने लगता है। और चौथा है सेलिवेशन एक्सेसिव, जो हमारा ये सलाइवा है बहुत एक्सेसिव होने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और दूसरा आता है हमारा निकोटिन। निकोटिन में क्या होता है, मसल्स क्रैम्प्स आते हैं, हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं उसमें क्रैम्प्स आते हैं। हर पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है और टेंडन रिफ्लेक्स हो जाता है, हमारे जो बॉडी के टेंडेंस है वो रिफ्लेक्स हो जाते हैं। लास्ट आता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि जो ओपी पॉइजनिंग होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, प्रभावित करता है, जिसमें रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट जाता है। बहुत ज़्यादा सिक्रेशन, ब्रोंकोरिया होने के वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और ब्रेन को ऑक्सीजन कम पहुँचता है, जिसमें रेस्पिरेटरी फेलियर के बाद पेशेंट कोमा में चला जाता है। ये इसका सिम्टम है। अगर ऐसे पेशेंट हमारे हॉस्पिटल या हमारे क्लिनिक में आते हैं, तो सबसे पहले क्लिनिक में आए तो हमको रखना नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल हमको भेजना है पेशेंट को। पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ का इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये रहता है कि पेशेंट जैसे ही हमको पीपिल पिन पॉइंट, ब्रैडीकार्डिया, एक्सेसिव सेलिवा और रेस्पिरेटरी फेलियर में हमको पेशेंट मिलता है, वैसे ही पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट पे डाल दिया जाता है, ताकि उसके लंग्स को सपोर्ट मिल जाए। जो ऑक्सीजन कम होते रहता है एक्सेसिव सेलिवा की वजह से, वो कंट्रोल हो। वेंटिलेटर सपोर्ट पर डालने के बाद पेशेंट को एट्रोपिन इंजेक्शन चालू किया जाता है। एट्रोपिन इंजेक्शन क्या करता है, जो अपना मेस्क्राइन इफेक्ट है उसको कंट्रोल करता है और हमारे हार्ट रेट को भी इंक्रीज करता है, हार्ट को सेव करता है। और जो हमारे मसल्स क्रैम्प्स है या मसल्स वीकनेस आती है, टेंडर रिफ्लेक्स आता है, उसको कंट्रोल करता है। और इस ओपी पॉइजनिंग का जो एंटीडोज होता है वो पाम होता है, पाम इंजेक्शन होता है, जिसको चालू करने से क्या करता है, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट में फॉस्फेट ग्रुप है, जो फॉस्फेट ग्रुप है, इसको वहाँ से वो रिमूव करने का काम करता है, एंटीडोज का काम करता है। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट पे डाला जाता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को रोकता है, और पेशेंट को सीडेट किया जाता है ताकि उसका नर्वस सिस्टम बचा रहे, और पेशेंट को एट्रोपिन चालू किया जाता है ताकि उसका कार्डियक और जो एक्सेसिव सलीवा होता है उसको भी वो कंट्रोल करता है। पाम इंजेक्शन उसका एंटीडोज है। ये जो होता है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखकर एंटीडोज, एट्रोपिन और वेंटिलेटर से होने वाले जो भी या निमोनिया है उसको कंट्रोल करने के लिए एक हायर एंटीबायोटिक दिया जाता है। थैंक यू।